Hi, my name is Saket Mishra and today I will be talking about mega and micro planning for the chemistry subjects. Okay, this is going to be a detailed strategy video for NEET aspirants and my target is that you will achieve 170 plus in chemistry. So uske bare mein hum log detail mein baat karne wale hain. As you all know, that is April is going to end and your planning should be very much accurate and bang-on. जिसकी वजह से आप 170 तो स्कोर कर सकते हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे. प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल एंड ऑल. सो नियरली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर एंड हम एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं. मे बी शायद 1 आवर का वीडियो बन सकता है. आई एम डेडिकेटिंग माई 1 आवर टू दिस. वेरी माइन्यूट चीजें हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. And this is not like that a formality video कि आप ये कर लो वो कर लो, this chapter is important, that chapter is important. Okay, that will be not a correct way of doing. And if I'm doing that, that is not the justice to my profession. So मैं यहाँ पे यही चीज बताना चाहता हूँ as per my knowledge, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा. And your question should be, आपका एक question आपके दिमाग में आएगा कि आप जो planning बता रहे हो, ओके, हाउ मच चांसेस ऑफ प्रेडिक्शन इज दैट दिस प्लानिंग और दिस प्लान इज गोइंग टू बी एक्यूरेट. माय आंसर इज 90 to 95%. ओके, 90 to 95%. यस, अगेन 5 to 10% चांसेस आर देयर फॉर द अप डाउन कैन बी हैपन. सो प्रेडिक्शन 90 to 95 है मेरा. अगर आप 400 पे हो, एट प्रेजेंट यू आर स्कोरिंग 400, देन यस you can score 600 easily. You can score 600 through this. ये चीज मैं बोल सकता हूँ. But if you are at 100 and you want to score 600, that is going to a big deal. उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, कैसे क्या चीजें आपको मेंटेन करनी चाहिए, तो उसके बारे में देखते हैं. ओके, सो एक चीज याद रखिएगा that if you are a calibrated student, अगर आपके पास नॉलेज है अच्छा, आपकी कैलिब्रिटी है कि आप स्कोर कर सकते हो दैट is around 650, then ये वीडियो आपके लिए ही डेडिकेटेड है. आप इस चीज को पूरा ध्यान से देखने की ट्राई करो. ओके, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हर चीज को मैंने यहाँ पे डिटेल में बात किया. एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे चैप्टर्स नहीं बताए क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट हम चैप्टर्स की परसेंटेज, मैंने यहाँ पे आपको परसेंटेज मैंने बताया है कि चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है इन नीट एग्जाम. ओके, नेक्स्ट एक एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर. एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, विच एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू हैंडल दैट एग्जाम्पल, मैथड कहाँ से आपको करना है, वो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँ. पूरा वीडियो आपके लिए, मे भी शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो प्रॉपरली. बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स को दैट शुड आई फॉलो एक्सरसाइज ऑफ a particular topic or I should leave any chapter next, should I solve JEE questions, mains question, or should I solve previous year NEET questions next, should I solve examples, should I read NCERT fully or thoroughly next, is the in-text questions are important, exercise questions are important. So सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं. एक एक चीजों के बारे में मैं आपको बात करूंगा. एंड यस, इनफ टाइम मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी यहाँ पे दिया है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको मिल जाएगा, वो भी सीधे मैंने इस वीडियो में बताया. सो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. तो सो देखना यार, हमेशा ये चीज याद रखना. क्या याद रखना है आपको, दैट इज हार्डवर्क. हार्डवर्क करना जरूरी है, यस मैं मानता हूँ, यस हार्डवर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड बी इन राइट डिरेक्शन. देर शुड बी अ राइट डिरेक्शन. अगर डिरेक्शन सही नहीं है तो हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोल दे कि जाओ और डेजर्ट में जाके डेजर्ट में कुआं खोदो, तो वहां पे पानी मिलेगा क्या? नहीं. बट आप क्या कर रहे हो, हार्डवर्क तो कर रहे हो ना, पर आपका डायरेक्शन गलत है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे. तो डायरेक्शन, देयर शुड बी अ प्रॉपर डायरेक्शन, तो आपका हार्डवर्क जो है वो बेनिफिशियल होगा. यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ थ्रू दिस मेगा एंड माइक्रो प्लानिंग. ओके, एक चीज क्लियर हुआ आपको. ओके, चलिए. एंड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, जो एक एक चैप्टर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कहां से एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में एक पूरा डिटेल पीडीएफ आपको
ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, बट दैट इज गोइंग टू बी अ 50%। आप ऐसा मत सोचो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया मेरा टॉपिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। याद रखिए 50% उसके अंदर आपको समझ में आएगा, आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा। यस दिस वीडियो में भी अराउंड 1 hour or 45 minutes यहाँ तक हो सकता है, सो लॉन्ग वीडियो है, 2x की स्पीड पे देख सकते हो, 1.75x की स्पीड पे देखो, बट ट्राई टू कंप्लीट दिस वीडियो, सो आपको कोई जरूरत ना पड़े, एक बार देखो खत्म करो चीजों को, बार बार चीजें देखने की जरूरत नहीं। ओके चलिए, सो माई इनिशियली मैंने आपको क्या बताया, अ टारगेट विल बी 170 प्लस इन केमिस्ट्री। ओके हमारा टारगेट यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे मुझे 120 भी आ जाएगा तो भी चलेगा, आई वॉन्ट टू स्कोर ओनली 120 इन केमिस्ट्री, सो विच टॉपिक शुड आई स्किप, वो भी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करें। देन प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकली ये स्टूडेंट्स जो हैं अराउंड 2000 or 3000 ये वीडियो को देखने वाले हैं, उसमें से मैं जानता हूँ दैट इज अराउंड 1% or 2% ही आपको पता होगा 650 के ऊपर लेके आएंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें मैटर चेंज करती हैं आपको, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन शुड नो, और ये आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाई पीपल फेल इन दिस एग्जामिनेशन। आपको एक चीज़ें पता होगी कि जल्दी कोई देखता है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, क्लियर करते हैं तो कट ऑफ क्लियर करते हैं, ठीक है, अच्छी कॉलेजेस आपको नहीं मिलेगी। सो द फर्स्ट इज दे क्विट द एग्जामिनेशन, फर्स्ट थिंग इज दे जस्ट क्विट द एग्जामिनेशन, एंड नेक्स्ट इज दे चेंज द प्लान। दो चीजें वो करते हैं, एक तो करते हैं क्विट कर देते हैं, नीट को एग्जाम को नहीं क्विट करेंगे, बट अगर प्लान कोई फॉलो कर रहे हैं उसको क्विट कर देंगे, एंड दे चेंज द प्लान। ठीक है, हमेशा याद रखना कोई भी प्लान आप फॉलो कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस होता है, इजिली वैसे ही नहीं हो सकता है, ठीक है, वो मे भी शायद 6 महीने आपको लग जाए, 8 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, ऐसे लग सकता है, पर कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हो उसको आपको थोरोली फॉलो करना चाहिए। इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट एनी प्लान, आई एम रिपीटिंग दिस, इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट एनी प्लान, फर्स्ट टू थ्री टेस्ट आप जब दोगे तो वहां पे आपके ड्रॉप होंगे मार्क्स, देयर विल बी अ ड्रॉपेज इन योर मार्क्स, आफ्टर दैट आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ग्राफ ऐसा हमेशा ही बनता है, ये चीज याद रखना, देयर शुड बी अ इनिशियली इंक्रीज होता है मार्क्स, फिर डिक्रीज होता है, फिर एक कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ जाएगी, तो कंसिस्टेंट मार्क्स आपको मिलने ही लगेगा, एंड दैट इज 170 जो हम स्कोर करने की बात कर रहे हैं, वो आपको कम से कम 35-45 टेस्ट आप दोगे तो उसके बाद पता चलेगा। इनिशियली आप दो फॉलो करते हो तो कम ही रहेगा ना, तब कहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज हाउ टू ब्रेक दिस चैन, विच चैन आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सी चैन की मैं बात कर रहा हूँ, यही कि फेल जो हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, कि हम जैसे कि समझो मैंने आपको इनिशियली क्या बताया, व्हाई डू बी फेल, चांसेस क्या है, क्विट करते हो आप चांस, और एक दूसरा क्या करते हो, प्लान चेंज करते हो, इसको ब्रेक कैसे करें। इनिशियली आपको पता होगा सिलेक्शन कितने का होता है, सिर्फ 2% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ये चीज़ पता है, 98% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जामिनेशन फेल होते हैं। मैं आप फेल की मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, मैं ये बात कर रहा हूँ टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझ में आया। ओके सो 98% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, रीजन क्या है, द रीजन इज कंसिस्टेंसी। ओके द रीजन इज कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो, अगर आप एक दिन में सोचते हो कि 20 घंटे में पढ़ लूँ एंड मैं टॉप कर लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर यही चीज़ आप रोज के 2 घंटे आप सिर्फ पढ़ते हो, रोज के 2 घंटे, इट इज अराउंड 3 month or 4 month, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी, और जो मिनिमम 2% स्टूडेंट ही कर पाते हैं और इसीलिए उनका क्रैक होता है, ये रीजन है, दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर रीजन जिसकी वजह से डिफरेंस हो जाता है 2% वाला एंड 98% वाला, समझ में आया अभी आपको। ओके नेक्स्ट कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हाउ मच कैन आई इम्प्रूव, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, कितना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई कैन टेल यू, अगर आप 400 पे हो, इफ यू आर एट 400 स्कोर, तो हाँ आप 600 इजीली पास कर सकते हो, ठीक है, थ्रू दिस ओपिनियन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थ्रू दिस मेथड आप सारे सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 400 से 600 जंप कर सकते हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये दो पॉइंट्स आपके होने चाहिए, अगर प्लान को छोड़ना नहीं है, आप कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हो, मेरा ही नहीं, किसी भी प्लान फॉलो कर रहे हो, छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो।
अगर आप 100 पे हो देन आप 600 जा सकते हो, बट एक बिग डील होगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली आपके ग्राफ हमेशा यही रहेंगे, याद रखना ग्राफ ऐसा ही कुछ बनता है, हमेशा ग्राफ ऐसा ही रहता है, कैसा इनिशियली ऐसा ही ग्राफ रहेगा। यहाँ पे याद रखो ये कुछ स्टूडेंट हैं जो लेके आएंगे 600 प्लस, ये कुछ स्टूडेंट होंगे जो 500 के अराउंड लेके आएंगे, ठीक है। ये 500 के अराउंड लेके आते हैं, 550 500 ऐसे लटके रहते हैं, वो यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, और इसी के लिए प्लानिंग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में रखनी है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है आपको नीट के एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ याद कर लो अपने दिमाग में, इस चीज़ को फिक्स कर लो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, इफ़ यू ट्राई टू लीव दीज टॉपिक्स देन क्विट दिस एग्जामिनेशन, आप क्विट कर दो, आपका कोई मतलब नहीं एग्जामिनेशन देने का। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट इज सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, एवरी चैप्टर आपको उसके एग्जाम्पल्स जितने भी दिए गए हैं आपको सॉल्व करना चाहिए, रटे होने चाहिए आपके दिमाग में। नेक्स्ट इज इंडेक्स क्वेश्चन आपको आने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नीट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नीट का आपको अच्छे से करना है। मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, कौन कौन से चैप्टर के लिए, कौन कौन से टॉपिक के लिए आपको जाना है, पर ट्राई करना कि अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ये करो। इनिशियली ये दो पॉइंट्स तो सबको करने हैं, करना ही करना है, उसके बाद एग्जाम देने जाओ तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, एग्जामिनेशन में आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज JEE के मीन्स की क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, इतने चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 170 आप लेके आ सकते हो। ओके, क्लियर हुआ कुछ? चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हो। बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत टाइम लग रहा है मुझे बनाने के लिए, एंड डिटेल में वन आवर अपना डेडिकेट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, केमिस्ट्री मैंने नीट एंड JEE पूरा यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल करा दिया है, सारे ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, 100 ट्रिक्स। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा मिनिमम विद 10 स्टूडेंट, ट्राई कीजिएगा मिनिमम 10 स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, मे बी शायद किसी को ये हेल्पफुल हो जाए, किसी को चाहिए होगा कोई प्लानिंग की फॉलो कर रहा होगा तो उसको मे भी साथ चेंज करना होगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, तो ट्राई कीजिएगा कोई भी 10 ग्रुप अगर आप हो, कोई भी दोस्त हैं आपके साथ, उनके साथ जरूर शेयर करने की ट्राई करो। गेटर रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको डेली क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं, रिटन नोट्स एंड ऑल, और डायरेक्ट आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, बात करते हैं जिसके लिए आप वीडियो चालू किए हो, दैट इज नीट केमिस्ट्री प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ओके, मे बी दिस इज गोइंग टू बी अ ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, मे बी शायद ये आपके लिए लंबा हो जाए, यहाँ से लंबा हो रहा है, ट्राई कीजिएगा 2x की स्पीड पे देख सकते हो, बट हाँ वीडियो को बंद मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से मेन चीज़ें चालू होती हैं। ओके, वेटेज मैं बताने वाला हूँ पूरा चैप्टर का, चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, उसमें चैप्टर वाइज इंक्लूडेड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, व्हिच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेशंस, आप क्या कर सकते हो कि कौन से टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने चाहिए, कौन सा मेथड आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करना चाहिए, कौन से टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, एनसीईआरटी किसके लिए इनफ है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग, एज वी नो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अराउंड 7%, ये परसेंट क्या शो करता है, दैट इज हाउ मच इम्पॉर्टेंस इज देयर इन योर एग्जामिनेशन। ओके, MOT आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी सबने पढ़ा है, इजी टॉपिक है, कहाँ से मिल जाएगा आपको, इसके लिए पर्टिकुलर याद कीजिएगा, इसके लिए पर्टिकुलर कोई जरूरत नहीं है कि आप के पास बुक्स हैं या क्या है, NCERT पहले खत्म करो, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, NCERT खत्म करना है। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, अगर आपके कोचिंग के नोट्स दिए, इफ यू हैव दी कोचिंग नोट्स, उसको पढ़ने की ट्राई करो, ठीक है। विद दैट ये पूरे चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, विद दैट NCERT तो आपको खत्म करनी है, जैसे हमने दो पॉइंट्स बात किए थे इनिशियली, एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल उसके करनी है NCERT के, ठीक है। दूसरा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसके, नीट एंड JEE के लिए करना है, और JEE मेंस कैसे करना है ये चीज़ याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज राइटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से आप क्या क्या पता कर सकते हो, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन निकल सकता है, उसके शेप, उसके लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, आइसोइलेक्ट्रिक एंड बॉन्ड ऑर्डर, इन सब के लिए पर्टिकुलर ट्रिक्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब के लिए पर्टिकुलरली आपकी बुक इनफ नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और उसके लिए ट्रिक्स हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी से इनफ नहीं है, अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल कंपेरिजन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिक्स इंपॉर्टेंट आपको आनी चाहिए, नोट्स अगर बना सकते हो तो बना लो, इसके छोटे से एक पेज में नोट्स बन जाएंगे पूरे टॉपिक के लिए, दोनों के लिए, स्ट्रक्चर्स एंड इसके, एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर 4% इंपॉर्टेंट है। 4% मींस क्या हुआ, यहाँ पे दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट इज QMM, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। फॉर श्योर यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% मींस यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एंड एटलीस्ट मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, ठीक है, सो मे बी शायद 2-3% चांसेस है कि ये ना हो, बट एक चीज याद रखिएगा, जब मैं 100% बोल रहा हूँ दैट मीन्स आपको उतना एफर्ट डालना है इस टॉपिक को खत्म करना है। ओके, नेक्स्ट इज हर्ट्ज़बर्ग प्रिंसिपल्स एंड डी ब्रोकलीज प्रिंसिपल। एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं बुक में, उसको ट्राई करो, पूरा कैसे भी करके सॉल्व करो। इसके अंदर ऑफबर्ग प्रिंसिपल है, ठीक है, पॉलिस प्रिंसिपल, हॉर्न प्रिंसिपल, वो सब दिए गए हैं, उन सबको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। डिटेल में उन सबको पढ़ने की ट्राई करना, डेट विल बी इनफ। कहाँ से करना है, जितना हो सके उतना सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी की बुक में ही दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, नीट के ही करना, इसमें चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है JEE पे जाने के लिए, नीट के अगर सॉल्व करते हो दैट्स विल बी इनफ। ओके, नेक्स्ट इज टॉक्यूमेंट्री। ओके, 4% डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दैट मींस 2 question आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा इस चैप्टर में से, इनडायरेक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3-4 questions। ओके, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, द फर्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ टर्म्स होते हैं, दिस इज मोलिकुलरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मैलिटी, मोल्स कैसे निकालते हैं, इनके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज आपको पता रहना चाहिए। अगर इतना आता है तो इनफ है, आप उन टर्म्स को अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स में दिए गए हैं, प्लीज उनको सॉल्व करो, इनफ है, एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल सुन के दिए गए। ओके, नेक्स्ट इज रेडॉक्स। रेडॉक्स में आपको याद रखना है, बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लल्लू सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कहाँ पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मिलेगा, याद रखना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ऑक्सीडेशन ट्रिक निकालने की इनफ है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कर सकते हो, क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करो, बुक्स में से ही मिल जाएगा आपको, इजीली कर सकते हो, ठीक है, और नहीं हो सकता है तो कोचिंग के इंस्टीट्यूट के आपके कुछ पर्टिकुलर नोट्स मिले होंगे, उसमें से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स, तो आपके ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिया होगा एनसीईआरटी में, इन एनसीईआरटी यू विल गेट अ ग्रीन कलर बॉक्स, ठीक है, वहां पे ये 3 structures दिए गए हैं, ठीक है, ये 3 structures दिए गए, यहीं में से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, याद रखना, फ्रॉम दीज 3 structures ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए ये 3 structure आपको आना चाहिए, वो ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया गया, उनको ट्राई करना पड़ने की। इन 2019 नीट में क्वेश्चन इसमें से ही पूछा गया, जो एवरी ईयर ऑलमोस्ट इतना ही क्वेश्चन मिलता है इसमें से, तो प्लीज इसको ट्राई करना कि खत्म करो। ओके, यस, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्टॉक्योमेट्री में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, ठीक है, स्टॉक्योमेट्री में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, रीडिंग मिनिमम कर देना वहां पे, ठीक है, वहां रीडिंग की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल के लिए प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज पीरियडिक टेबल 2%। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीरियडिक टेबल में आपको पीरियडिक ट्रेंड्स आने चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ने के आने चाहिए, मॉलिक्यूलर मास कैसे इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, वो चीज पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस किसमें से पूछे जाते हैं, ये 4 terms है जिसमें से एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 में से आपको पूछा जा सकता है एक्सेप्शंस। तो इनके एक्सेप्शंस के लिए आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एक पेज लो, खुद से एक ही पेज लगेगा, उन सारे एक्सेप्शंस को लिख लो अच्छे से पीरियडिक ट्रेंड्स के हिसाब से,
और उनको ट्राई करो कि जितना हो सके उतना याद, दैट्स विल बी इनफ। नेक्स्ट इज एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड ट्रेंड्स एंड कोवेलेंसी। ठीक है, एसिड बेसिक ऑक्साइड ट्रेंड्स क्या होते हैं? आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड्स जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, पता है चीज आपको। एंड सेम टू गोज विद एसिडिक, क्या होता है आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होता है। तो ये चीजें कब पता चलेंगी, जब आप ये पढ़ोगे। ठीक है, तो इनको कैसे भी करके कंप्लीट करो, रिएक्शन में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो इससे 2% मतलब एक ही क्वेश्चन मिलेगा, पीरियडिक ट्रेंड से ही ज्यादा करके यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में याद क्या रखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2% इंपॉर्टेंट, डेट इज रियल गैस से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं तो डाल्टन्स लॉ से मिल सकता है। अब रियल गैस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं आता। एक चीज याद रखना, रियल गैस में से कभी भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेगा। इसको एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन रीड करो प्लीज, इसको एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन रीड कर लेना। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, लिक्विफिकेशन से पूछ सकते हैं। लिक्विफिकेशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, शायद पता होगा आपको, टी शुड बी लेस देन टी सी, ये चीज पता है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट इज पी शुड बी ग्रेटर देन पी सी, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं फॉर द लिक्विफिकेशन, ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फॉर द रियल गैस यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा करके पूछे जाएंगे, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर द रियल गैस। ओके, नेक्स्ट इज डेल्टन्स लॉ, लल्लू पंचूजा टॉपिक है, लल्लू लॉ है, एवरीवन नोस। ठीक है, अगर ये नहीं आता भाई तो बहुत पीछे चल रहे हो, जल्दी से करके डेल्टन्स लॉ खत्म कर दो। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में से, स्टेट्स ऑफ मैटर में से स्टूडेंट देखेंगे क्या एक टॉपिक मिलता है, डेट इज गैस लॉ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, शायद आपको पता होगा एनआरटी। एक क्वेश्चन इससे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, बस याद रखना न्यूमेरिकल्स जो है इससे रिलेटेड आपको फिजिक्स के करने, फिजिक्स में भी ये टॉपिक मिल जाएगा, वहां से करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस केमिस्ट्री के हिसाब से सिर्फ दो टॉपिक कर लो, इनफ रहेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक, दैट इज अराउंड 4% इंपॉर्टेंट है, मीन्स दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले, क्लियर हुआ। बात करते हैं, दैट इज डेल्टा एच, ये इंटरनल एनर्जी है, दैट इज डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ से पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, प्लीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज विल बी दी बेस्ट सोर्स जहाँ से आप इसको सॉल्व करके समझ सकते हो, और जितना हो सके उतना एनसीईआरटी सॉल्व करने की ट्राई करो। नेक्स्ट इज वर्क डन, वर्क डन में भी आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड फ्री एक्सपेंशन, ये तीनों चीजें आप कैसे भी करके सॉल्व कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिला जाएगा। नेक्स्ट कहाँ से करना है, एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज मिल जाएगा, उसको सॉल्व करो, सॉल्व एग्जांपल्स को कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू, इनफ रहेगा वर्क डन के लिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंट्रोपी थियरी सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी के करो, जैसे भी करके करो, फिर एनसीईआरटी सॉल्व होना चाहिए। सारे चैप्टर्स के लिए करना है, पर इसके लिए एंट्रोपी के लिए इतना ही इनफ है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। डेट इज नेक्स्ट इज डेल्टा जी, डेल्टा जी आपको पता होगा क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहाँ से सॉल्व करोगे, बेस्ट इज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल कर लो, इनफ रहेगा। तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना जो टॉपिक मैंने आपको बताया है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और नेक्स्ट मैंने जैसे बोला आपको दो क्वेश्चन आएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो फॉर नीट एंड जेईई मेंस, करोगे आपको पता चल जाएगा ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री से ज्यादा करके रिलेशंस पूछे जाते हैं, डेल्टा जी में भी रिलेशन पूछे जाते हैं, स्पॉन्टेनियस वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस वाला, वो सब चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम चैप्टर, अराउंड 2 to 4 यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 to 2 क्वेश्चन डेल्टा जी का रिलेशन विद के, न्यूमेरिकल्स इसमें से इंपॉर्टेंट है पढ़ना। न्यूमेरिकल्स के बाद आपको दो क्राइटेरियाज बताना होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एनसीईआरटी के बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं, सॉल्व करो और एक्सरसाइज के सम सॉल्व करो, दैट्स इनफ। नेक्स्ट इज केपी एंड केसी कैलकुलेशन एंड रिलेशंस, थियरी पहले अच्छे से समझ लो इस चीज को, थियरी आपको पहले अच्छे से आना चाहिए एंड उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो आप, ट्राई करो आपके नोट्स जो मिले होंगे, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, नोट्स आपको मिला होगा, नोट्स मतलब
कोचिंग जहाँ पे भी आप चाहते हो कि कोचिंग के पर्टिकुलर एक नोट्स होते हैं, वो कोचिंग के नोट्स उठा लो और उनको सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ के में टेम्परेचर रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पढ़ के रखना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पीएच कैलकुलेशंस। पीएच कैलकुलेशन के लिए बहुत कहीं उधर उधर मत भागो, सिर्फ एक ही चीज पढ़ लो, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल्स इनफ है। एक ही एग्जाम्पल दिया गया बुक में आपके, बट ये बेस्ट होता है, सॉल्व करो कैसे भी करके। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे, ट्राई करो उनको ही सॉल्व करो, उतना ही इनफ है। अगर उतना ही समझ में आ जाता है, बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को आप टैकल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। नेक्स्ट इज बफर थियरी एंड फॉर्मूला। बफर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना बफर रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे और कंसेंट्रेशन दिया होगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। तो बफर की पहले थियरी पढ़ लेना, एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगी, एंड देन उसके बाद आपको फॉर्मूलाज में जाना है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लो, इतना खत्म करना फॉर दी इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर 2% इंपॉर्टेंट है, डैश मींस एक क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको, सुपरफिशियल चैप्टर रीडिंग करना है, जितना हो सके उतना डीप में लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करो। 2 से 3 बार आपका रीडिंग खत्म होना चाहिए, तो ही आप चैप्टर्स अच्छे से समझ पाओगे और टैकल कर पाओगे। यहाँ से सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, द फर्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, थियरी कैसे भी याद करो, इसलिए बोल रहा हूँ रीडिंग आपको होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज H2O2, डेट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। थियरी और एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इनफ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्राइड से, यहाँ हाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी जब आप सुपरफिशियल रीडिंग जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ करोगे तो वहां पे ही आपको समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर के लिए सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग इज इनफ। नेक्स्ट इज एसपीडीएफ ब्लॉक। 18% इंपॉर्टेंट है। 18% मींस क्या होता है, 18% मतलब आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, अराउंड 10 क्वेश्चन, ठीक है, अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 18% मींस, ठीक है। एसपीडीएफ में से यहाँ 4 चैप्टर, एक आपको 11th में एस मिलेगा, पी के 2 रहते हैं, एक 11th में मिलता है आपको, 12th में मिलता है, एंड डी एंड एफ दोनों एक साथ में दिया गया है, एक ये चैप्टर है 12th में, टोटली 4 चैप्टर हैं। मिनिमम आपको 15 आवर देना है इसको, 15 आवर्स मीन्स टोटली जितना भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, 6 महीने 4 महीने जितना भी आपके पास बचते हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, 15 आवर दो, इसके मतलब डेली आप दे दोगे 1 वीक में, अगर आप इसको 3 आवर्स भी देते हो इनफ रहेगा, उससे ज्यादा कुछ मत करना। बेस्ट चीज क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूं पहले यही चीज आप करना, एनसीईआरटी रीडिंग दैट इज 5 टाइम मिनिमम, डू दी एनसीईआरटी रीडिंग मिनिमम 5 टाइम। स्ट्रक्चर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इनको ट्राई करो। स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपको है एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड, HCF4 पता है ना आपको, ऐसे इंटर हैलोजन कंपाउंड बार बार देखने मिलेंगे, ठीक है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आपको मिलेगा, HCF4 से हाइब्रिडाइजेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्स और एक्स डैश आपको मिलेगा, ठीक है। ये इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ लेना, जब आप रीडिंग करोगे तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप 18 एक्सपेक्ट कर सकते हो 18%। जब आप 5% रीडिंग कर लोगे आपके चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आई चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ट्राई मत करना, इनफ है, उससे ज्यादा मत जाओ, चले, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या करना है आपको, दैट इज 18 to 20% इंपॉर्टेंट है, मींस मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में आते, ठीक है, समझ में आया। यूजुअल फॉर्मेट क्या होता है नीट का, एनटीए का, कैसे फॉर्म करती है, इतना मैं एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ। 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से भी किस में से पूछा जाएगा आपका, द फर्स्ट इज हेलो एल्केन हेलो एरिज, उसके बाद अल्कोहल वाला चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड वाला चैप्टर, एंड देन उसके बाद अमाइंस। इसमें से ही ये 4 चैप्टर जो आपके हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सबके पता रहना चाहिए। एक पेज लो, उस पर खुद से नोट्स बना लो, उनको ट्राई करो, पढ़ो, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे और वो क्वेश्चन सही ही जाना चाहिए। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म रिलेटेड एनसीईआरटीज में बुक्स में दिया गया है, आप उनको भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूरत है इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए आप
JEE के क्वेश्चंस उठा सकते हो, मींस के वहां से सॉल्व कर सकते हो, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आइसोमेरिज्म इजिली सॉल्व हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, आइसोमेरिज्म में जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं उनको ट्राई करो समझने की, क्योंकि एग्जाम्स में वो एग्जाम्पल्स पूछेंगे एंड पूछेंगे विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्टिकल है एंड ऑल एंड ऑल, सो आप उसको पढ़ के रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर इसके लिए स्पेशली वीडियो बना दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए स्पेशल वीडियो बना दो, ये सब चीज़ें ना लल्लू पंजू टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप इसमें भी आवाज कर रहे हो देन यू आर रियली लेजी पर्सन हो। अगर आप बोल रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, मैं बोलूँगा ही नहीं कभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी हार्ड ही नहीं, द थिंग इज आप लेजी हो, सिर्फ इसमें पढ़ना है याद करना है और कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ लो, समझने के लिए टाइम मिला हुआ है, समझ लो कैसे भी करके। एक से दो क्वेश्चन फ्रॉम जीओसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इफेक्ट SN1 SN2 रिएक्शन इफेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आ सकता है इसके अंदर, और भी बहुत सारे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्लस MM माइनस M प्लस R माइनस R, ये सारे इफेक्ट्स एक बार एक पेज बना लो, उस पर लिख लो कैसे कैसे बढ़ता है, बस इनफ है। स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी आगे मैं बात करूंगा, उसके अंदर आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट इज 4 to 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 12th क्लास बुक्स। 12th क्लास बुक्स मींस चार चैप्टर जैसे मैंने बताया, हेलोएल्केन हेलोएरिंस, देन अल्कोहल वाला चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, अल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर एंड अमाइंस वाला। ये चार चैप्टर में से जो नेमिंग रिएक्शन है ना एंड रिएक्शन है उनको ट्राई करो याद करने की, उनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये कभी छूट नहीं सकता। अब इनिशियली मैंने आपको क्या बताया, 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 9 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लो। एक ही क्वेश्चन से बचता है जो आता है मैकेनिज्म से। ठीक है, मैकेनिज्म भी SN1 SN2 ही पूछा जाता है, SN1 SN2 E1 मत करना है, E2 कर लेना, बस ये 3 अगर आप कर लेते हो तो मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बट 9 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ बनाना आप मना सकते हो कि मैकेनिज्म में भी हार्ड है आपके लिए, बट ये आपके ऊपर जो मैंने 9 क्वेश्चन बताए वो तो सॉल्व होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉट टू डू, कैसे आपको पढ़ना है। द फर्स्ट इज जीओसी के पर्टिकुलर नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी इज नॉट इनफ फॉर जीओसी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, वहाँ पे अच्छे से नहीं दिया गया है। सो आपके लिए पर्टिकुलर नोट्स, नोट्स कहाँ से, कोचिंग नोट्स आप ले सकते हो, खुद से नोट्स बना लो, उसको ट्राई करो पढ़ने। नेक्स्ट इज एसिड बेस स्टेबिलिटी और इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट्स में आते हैं कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स, ये सब आते हैं, उनका कंपेरिजन पूछा जाता है। इसको सिर्फ ग्रुप 1 से ही पढ़ना है आपको, ग्रुप कोई भी एक ग्रुप उठा लो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लेता हूँ, हम ले लेते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा बेंजीन लिया हूँ, सॉरी फॉर द ड्राइंग, बट ये थोड़ा माउस से मैं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम, दैट इज हमने लिया है टॉलविन। ठीक है, तो टॉलविन के यहाँ पे ये जो पैरा पोजिशन, यहाँ पे पहले CH3 लगाओ और फिर देखो प्लस एम इफेक्ट शो करता है कि नहीं, यहाँ पे OCH3 लगाओ, ऐसे ही करके NO2 लगाओ और ऐसे देख के आप कंपैरिजन पढ़ना है, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी कि नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी कि नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करो, नीट और JEE के क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, ये आपको 11th का टॉपिक है, जस्ट रीड NCERT, जैसे आपको मैं बोला ना ऑर्गेनिक में SPDF ब्लॉक 5 बार पढ़ लो इनफ है, वैसे ही आपको ये सिर्फ पढ़ना है, 5 times मिनिमम रीडिंग कर लो इनफ रहेगा। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्डांस एंड ड्यूमस मेथड, ये आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स बुक्स में ही दिए गए हैं, सेम टॉपिक के दिए गए हैं, पर ये दोनों पहले इजीली कैसे भी करके सॉल्व करो, डेट इज इनफ, उतना अगर आपको आता है तो समझ लो कि आपका काम बन गया। ये दोनों तो कंपल्सरी आपको आने चाहिए, क्लास 12th के लिए वो 4 चैप्टर के क्यूमुलेटिव रीडिंग होनी चाहिए, कैसे भी करके उनको सिर्फ रीड करना है। आप मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, उनको रीड करो, वो रिएक्शंस आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, कहीं आपको एग्जाम में मिले तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सको। समझ में आया। नेक्स्ट इज NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल, सारे चैप्टर के लिए करना है, एक्सरसाइज इंटेक क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस करना है इन सबको 2-2 टाइम, ट्राई करो इनको एटलीस्ट 2 टाइम प्रैक्टिस करो, वीक में 2 दिन निकाल दो, समझ लो वेडनेसडे एंड संडे, दो को प्रैक्टिस करोगे और सारे दिन पढ़ने की ट्राई करो। समझ में आया। नेक्स्ट इज जनरल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री 8 क्वेश्चन 8% रहता है, मींस 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल केमिस्ट्री से। जैसे कि हमने बात किया इनिशियली NTA क्या करती है, हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन निकालती है। ठीक है, ये नीट और JEE में नॉर्मली होता है, पास 2 to 3 ईयर्स यही हो रहा है,
ठीक है, तो 5 से 2 से 3 साल के पेपर्स देखोगे, हर एक चैप्टर में से केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन मिलेगा, तो सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। बेस्ट थिंग आप क्या करोगे, 5 टाइम रीडिंग करना है एनसीईआरटी से, सिर्फ रीड करो एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, रिलाय ऑन एनसीईआरटी वाली, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिवाइज दिस टॉपिक एवरी वीक फ्रॉम एनसीईआरटी टिल एनसीईआरटी नीट, ठीक है, ट्राई करोगे जितना हो सके उतना रिवाइज करो, इनफ है। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट, 2% है, मतलब एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सॉलिड स्टेट से। AR रिलेशन बुक्स में दिया गया है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उनको सॉल्व करो। पैकिंग फ्रैक्शन, वैल्यू फॉर, ये तीनों दिया गया है SSP, ये SCC, FCC और BCC तीनों के वैल्यूज दिए गए हैं, आपको पता होगा वॉइड्स कितना रहता है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी वैल्यूज है, वो वैल्यूज आपको पता रहना चाहिए। डेंसिटी की न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कहाँ से करोगे डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी में से ही आपको मिल जाएगा डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, वहां से आपको पढ़ लेना, ठीक है, कैसे भी करो डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स वहां से कर लो। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डिफेक्ट्स, कंडक्शन, एनसीईआरटी की थियरी पढ़ो, इनफ है, फॉर्मूलाज याद करो, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। डू नॉट डेयर टू लीव दिस चैप्टर, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। डू ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड इनटेक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, इनफ रहेगा इस चैप्टर के लिए, एक्स्ट्रा कहीं इधर उधर मत भागो, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन, दैट इज 2%, यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो। रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ से डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, वहां से डायरेक्टली फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करो, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो सॉल्व कर लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक पर्टिकुलर टेबल दिया गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आपके वैल्यूज पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स एंड थियरी दोनों सॉल्व करना है। कहाँ से इसका बेस्ट मिल सकता है सोर्स, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, वो सॉल्व कर लो। नेक्स्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर नीट एंड JEE, ये कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, इनफ है इस चैप्टर के लिए, इससे ज्यादा कहीं और मत भागना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 4% मींस 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। कंडक्टेंस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कैलकुलेशन यहाँ से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट हैं इसके लिए, आप देख सकते हो वहां से। डेल्टा जी वाला आपको पता होगा, डेल्टा जी और EMF का, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी और EMF का रिलेशन, EMF की वैल्यू आपको सम्स में ही दे दी जाती है, फॉर्मूला अगर पता है तो वहां पे पुट ऑन करो, डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगे। सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी के कर लेना, इनफ है। नेक्स्ट इज PV स्टोरेज बैटरी, वहां पे क्या करना है आपको, 2 चीजें करनी है, चार्जिंग का रिएक्शन और रिचार्जिंग का रिएक्शन, रिचार्ज और चार्ज, ठीक है, दोनों का आप पढ़ लेना, बुक्स में दिया गया है। नेक्स्ट इज फ्यूल सेल एंड कोरोजन, एनसीईआरटी थ्योरीज पढ़ो, कैसे भी करके खत्म करो इस टॉपिक को, कहीं इधर उधर मत भागना। नर्स्ड इक्वेशंस बुक्स में बहुत लंबा लंबा सम दिया गया है, वो ऐसे सम्स कभी नीट में पूछे ही नहीं जाते, वो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, याद रखना, सिंगल स्टेप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नर्स्ड इक्वेशन पता है, वैल्यूज पुट करो, डायरेक्ट आंसर्स लाओगे, ऐसे क्वेश्चंस ही मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा नर्स्ड इक्वेशन के लिए। ओनली रिलाय ऑन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल फॉर दिस चैप्टर, कहीं और उधर उधर मत भागो, चल जाएगा। ओके, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, 2%, मतलब एक ही क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है, फर्स्ट तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन कैलकुलेशन पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेट लॉ, रेट लॉ में भी पूछे जाते हैं, कैसे सम्स पूछे जाते हैं बताता हूँ आपको, रेट लॉ में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, एक तो आता है R इज इक्वल टू, शायद आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, K एंड A, A का पावर क्या रहेगा 2, दैट इज होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज शायद आपको मे भी पता होगा, एंड B का पावर 1, पता है ये फॉर्मूला, नहीं पता तो देख लेना बुक्स में। ओके, यहाँ पे आपको पूछेंगे कि A की वैल्यू जो है हम कर देते हैं डबल, तो रेट का वैल्यू क्या होगा, तो 2 को डबल करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम रेट बढ़ जाएगा, समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे के रिलेशन के हिसाब से, प्लीज इसको समझ लेना। अरेनियस थियरी, सिर्फ थियरी आपको पढ़ना है, कहीं और कुछ नहीं जाना है, उसके फॉर्मूलाज पढ़ लो, इनफ है, कुछ और जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर का,
एनसीईआरटी में बुक्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स हैं तो एक्सरसाइज में उनको प्लीज सॉल्व करो, इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रिलाई ऑन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल्स ओनली, एक्सरसाइज कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो फॉर दिस चैप्टर, डेट इज इनफ, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है और कहीं माथा फोड़ी मत करना। ओके, नेक्स्ट इज सरफेस केमिस्ट्री 2%, दैट मीन्स एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एड्सॉर्प्शन ग्राफ से मिलता है। एड्सॉर्प्शन ग्राफ में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, एड्सॉर्प्शन ग्राफ आप मेरे साथ आपने पढ़ के आए हो, ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि इतना पढ़ लिया होगा, तो एड्सॉर्प्शन ग्राफ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोलॉइड क्लासिफिकेशन, इसके लिए पर्टिकुलर एक टेबल दिया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक में, एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे देखना, मे बी शायद ऐसा लिखा होगा कोलॉइड्स में डिस्पेंस दिया होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, क्या बनाएगा, एरोसोल बनाएगा, एनॉल, ऐसा करके दिया होगा, तो वो एग्जाम्पल्स आपको पता रहना चाहिए, वो टेबल कैसे भी करके पढ़ लेना, ठीक है। हार्डी सेजल्स रो आपको आना चाहिए, इजी है, हार्ड नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ते हो तो ये भी समझ में आ जाएगा। कौन से एग्जाम दे रहे हो आप, नीट एग्जाम दे रहे हो, नीट में अगर एंजाइम्स ना आए तो मान ही नहीं सकता, लास्ट प्रीवियस ईयर के 5 साल के भी पेपर आप देख लोगे ना, हर एक क्वेश्चन में आपको एंजाइम एंड कैटलिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स बुक्स में ही दिए गए हैं, ट्राई करो कि उनको सॉल्व करो, कैसे भी करके याद करो, मगअप करो, पर ये चीज़ आपको आना चाहिए, इसको छोड़ने की ट्राई मत करना, एक क्वेश्चन ज़्यादा करके यहीं से पूछ सकते हैं, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी 2% मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओर्स नेम और कंपोजिशन, एक टेबल दिया गया है, देर इज अ टेबल इन एनसीईआरटी बुक, वो आपको टेबल कैसे भी कर लेना है। एनसीईआरटी रीडिंग क्या क्या करना है, क्या क्या मीन करना है, जिंक करना है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ज़्यादा करके एग्जाम्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आयरन और एल्यूमिनियम से क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स एनसीईआरटी में से सिर्फ आपको रीड करनी है, वो खत्म कर दो, इनफ रहेगा। रिफाइनिंग मैथड के लिए एग्जाम्पल फॉर रिफाइनिंग मैथड, बेन अर्कल एंड मोल्ड्स प्रोसेस, ये दो प्रोसेस आपको आने चाहिए एग्जाम्स के लिए। रिफाइनिंग, इतने में से ही क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा उससे ज़्यादा कहीं और नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस वीडियो, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 4% एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 2 क्वेश्चन मतलब कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, द फर्स्ट इज आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट जो है ना, 100% एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है इसमें से, पक्का 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा। कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू, ठीक है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्रिस्टल फील्ड थियरी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछ सकते हैं, ये कहाँ से सॉल्व करना है, क्रिस्टल फील्ड थियरी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कर लेना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो करना, लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा सॉल्व करने की ट्राई करना, वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन मिलेंगे, और सॉल्व एग्जाम्पल साथ साथ में एनसीईआरटी के कर लेना। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में से पूछा जा सकता है, दैट इज सिनर्जिक बॉन्ड, एंड इसको सिर्फ ट्राई करना कि मगअप कर लो क्वेश्चन को, आंसर्स को, इनफ रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वॉर्नर्स थियरी, वॉर्नर्स थियरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। वॉर्नर्स थियरी में हमेशा याद रखना, एक टेबल जैसा दिया गया, वहाँ पे कलर्स बताया होगा, ठीक है, 4 चीज़ का कलर बनता है, क्या उस वॉर्नर ने लिया था, डेट इज NH3 लिया था, ये चीज़ आपको पता होगा, एंड दैट इज रिएक्टेड विथ COCl2, दैट इज रिएक्टेड विथ COCl2, इतना तो पता होगा, इन COCl3, ओके, तो इनका जो रिएक्शन हुआ था, ये 4 कंपाउंड्स बने थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ये चारों का कलर अलग था, वो वॉर्नर्स थियरी में कलर ट्राई करना, बहुत याद कर लो, उसमें से पूछा जा सकता है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा। इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करना, दैट्स इनफ। ओके, एट लास्ट मैं कुछ बोलना चाहूँगा आपसे, दैट रिमेंबर वन थिंग, दैट एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्लान। आई हैड गिवन यू द प्लान, मैंने पूरा प्लान आपको बता दिया, मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया, बट इफ़ यू डोंट एग्जीक्यूट देन, तो इसके जैसे आप खड़े होकर सिर्फ देखते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, समझना है। ट्राई करो कि कैसे भी करके उसको एग्जीक्यूट करो, मैक्सिमम 90% भी एग्जीक्यूट कर सकते हो तो 500 के रेंज में आप पहुंच सकते हो, समझना है, तो ट्राई करो, दैट एग्जीक्यूशन इज मस्ट फॉर दिस प्लान। अगर एग्जीक्यूट करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिजल्ट्स मिल सकते। एंड एट लास्ट सब्सक्राइब द चैनल,
बहुत हार्डवर्क लगा है ये चीज़ बताने के लिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल है, मैंने नीट JEE पूरा यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, 100 ट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। लाइक करना वीडियो को जरूर एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, मिनिमम 10 स्टूडेंट्स के साथ तो जरूर शेयर करना, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ट्राई करना कि इसको शेयर को जहाँ पे हो सके वहाँ पे शेयर कर दो, एंड गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोज वहाँ पे उसको लिंक मिल जाएगी आपको, प्रिपरेशन करना है अगर आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बहुत सारे PDFs वहाँ हैं, रिटर्न नोट्स और सारी चीज़ें हैं अवेलेबल है वहाँ पे, आप डायरेक्टली मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सो जस्ट ज्वाइन गेट अ रिएक्शन नाम से जाओ, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो एंड ज्वाइन हो जाओ, 600+ स्टूडेंट वहाँ पे पहले से ही ज्वाइन। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।